दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों आज बात करेंगे यानी कि डीसी मशीन और डीसी मशीन के सारा एमसीक्यू को करेंगे जो टी टू में इस बार पूछा जाएगा। तो दोस्तों यानी कि वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, सारा प्रश्न एमसीक्यू है जो टी टू में इस बार पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा प्लीज़ दोस्तों। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों का ये फर्ज है दोस्तों यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। तो चलिए दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न दिया स्टेटर की संरचना होती है, ठीक है, यानी कि स्टेटर का जो संरचना होता है यानी कि बनावट होता है किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि वलयाकार होता है, क्या होता है, वलयाकार होता है, ठीक है, वलयाकार होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है वलयाकार, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है मशीन का दिक परिवर्तक किस तरह कार्य करता है, यानी कि मशीन का जो दिक परिवर्तक होता है किस तरह वो काम करता है वो हमको बताना है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह, तो पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह ये काम नहीं करता है दोस्तों। ये जो कार्य करता है यानी कि अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह कैसे काम करता है, अर्ध तरंग, ठीक है, अर्ध तरंग यानी कि रेक्टिफायर की तरह काम करता है। ऑप्शन किस में दिया है अर्ध तरंग रेक्टिफायर, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है सिनवर्न जांच पद्धति में डीसी मशीन किस रूप में चलती है, यानी कि सिनवर्न जो जांच किया जाता है उसमें यानी कि मशीन किस प्रकार से चलता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पूर्ण लोड पे, तो दोस्तों इसको पूर्ण लोड पे नहीं चलाते हैं सिनवर्न टेस्ट में, ठीक है। बी में दिया निर्धारित लोड पर प्रयुक्त ब्रेड लोड के साथ यानी कि मोटर, तो इस पे भी नहीं चलाते हैं दोस्तों। ये जो जुड़ा जाता है शून्य लोड पर जुड़ा जनरेटर के साथ, ठीक है, यानी कि शून्य लोड पे, ठीक है, यानी कि शून्य लोड पर यानी कि जनरेटर को जोड़ा जाता है, ठीक है, जनरेटर को यानी कि जोड़ा जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है शून्य लोड पर जुड़ा जनरेटर, तो ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न यह मशीन के चलती हालत में घिसने के कारण डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है, कितनी लंबाई पर ब्रश को बदल देना चाहिए, ठीक है, यानी कि ब्रश को जो बदला जाता है, ठीक है, यानी कि ब्रश को जो बदलेंगे कितनी यानी कि घिसने के बाद हम बदल सकते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसको अगर 2/3 भाग घिस गया हो, ठीक है, यानी कि 2/3 भाग घिस गया हो तो उसको यानी कि क्या करना है, यानी कि बदल देना है, ठीक है, बदलना है। अगर 2/3 भाग घिस गया हो तो बदलना है। ऑप्शन किस में दिया, ऑप्शन ए में करा 1/2 भाग, बी में करा 1/3 भाग, ई भी नहीं होगा, सी में है 3/4, ई भी नहीं होगा दोस्तों। राइट आंसर जो दिया है यानी कि 2/3 भाग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया आर्मेचर कोर को लिमिटेड बनाने का कारण क्या है, ठीक है, किसको कह रहा है, यानी कि आर्मेचर को कह रहा है, ठीक है, और आर्मेचर को दोस्तों यानी कि लिमिनेट जो किया जाता है यानी कि एडी धारा को कम करने के लिए, क्या, यानी कि ईडी धारा को कम करने के लिए, ईडी, ठीक है, ईडी यानी कि करंट को यानी कि कम करने के लिए इसको यानी कि लिमिनेट किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है ईडी करंट को यानी कि ईडी करंट को क्षति को कम करना, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है, ठीक है, यानी कि ईडी करंट क्षति के मान को कम करना। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप, ठीक है, यानी कि स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप जो होता है किस प्रकार का होता है वो हमको बताना है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन ए में कहा है यानी कि शोर को कम करता है, तो शोर को ये यानी कि कम नहीं करता है। बी में है यानी कि अधिक वेंटिलेशन देता है, वेंटिलेशन भी नहीं देता है दोस्तों। ये जो होता है यानी कि चुंबकीय फील्ड यानी कि मजबूत चुंबकीय फील्ड देता है, क्या देता है, यानी कि मजबूत चुंबकीय फील्ड देता है। ऑप्शन किस में दिया है मजबूत चुंबकीय फील्ड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है अधिकांश डीसी मशीन में वेंटिलेशन डैश होती है, तो यानी कि ये जो होता है दोस्तों किस प्रकार का होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि रेडियल के साथ साथ यानी कि लंबवत भी होता है, क्या होता है, यानी कि रेडियल, रेडियल के साथ यानी कि लंबवत होता है, ठीक है, रेडियल के यानी कि साथ लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है रेडियल के साथ यानी कि लंबवत, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र अभिवाह तथा आर्मेचर अभिवाह का आकार क्रमशः होता है, ठीक है, यानी कि मुख्य क्षेत्र का अभिवाह और आर्मेचर का अभिवाह किस प्रकार का होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि समलंबाकार होता है, क्या होता है, समलंबाकार होता है, क्या होता है, समलंबाकार होता है, और प्लस में जो होता है दोस्तों यानी कि त्रिकोणीय होता है, क्या होता है, यानी कि त्रिकोणीय होता है। ऑप्शन किस में दिया है समलंबाकार और त्रिकोणीय, ऑप्शन ए में त्रिकोणीय और सेंडल आकार का, तो नहीं होता है। बी में है समलंबाकार और त्रिकोणीय, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है डीसी मशीन में रोटर शाफ्ट से डैश होता है, यानी कि रोटर शाफ्ट से क्या होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि रोटर शाफ्ट से जो होता है, ठीक है, किससे, यानी कि रोटर,
और रोटर यानी कि शाफ्ट से जो होता है दोस्तों यानी कि की द्वारा, ठीक है, की ये यानी कि एक बोल्ट होता है उसके द्वारा ये होता है, की किया होता है। तो ऑप्शन नंबर में किस में दिया है, की किया, ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। की किया का मतलब यानी कि ये समझिए की, ठीक है। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीसी मशीन में डम्मी कुंडली डैश हेतु प्रयोग किया जाता है, कौन सा कुंडली यानी कि डम्मी, और डम्मी कुंडली दोस्तों क्यों प्रदान करते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि डम्मी कुंडली जो प्रदान किया जाता है आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करता है, क्या यानी कि यांत्रिक संतुलन प्रदान करता है, किसको, आर्मेचर को, यांत्रिक यानी कि संतुलन प्रदान करता है आर्मेचर को। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में है, दक्षता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते, कम्यूटेशन सुधारने के लिए भी नहीं किया जाता, मशीन की लागत को कम करने के लिए भी नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर डी में दिया है, आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीसी मशीन की दक्षता वक्र की प्रकृति है, यानी कि डीसी मशीन का दक्षता का जो प्रकृति है किस प्रकार का है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो होता है पहले बढ़ता है, क्या होता है यानी कि पहले यानी कि बढ़ता है और फिर क्या होता है यानी कि घट जाता है, फिर पहले बढ़ता है उसके बाद यानी कि घटता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन ए में पहले घटना फिर बढ़ना, तो ऐसा तो नहीं होता है, पहले बढ़ना पहले स्थिर फिर घटना, गलत है। सी में दिया है पहले स्थिर भी नहीं होता है दोस्तों, ये जो होता है पहले बढ़ता है फिर घट जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, किसी भी विद्युत मशीन में सामान्यतः कौन से दो मुख्य भाग होते हैं, यानी कि डीसी मशीन में कौन सा मुख्य दो भाग होते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहला जो होगा यानी कि स्टेटर होगा, ठीक है, क्या होगा, स्टेटर, और दूसरा जो होगा यानी कि रोटर होगा, एक स्टेटर और दूसरा रोटर। ऑप्शन किस में दिया है ऐसा, ऑप्शन ए में कार्बन ब्रश और रोटर, तो ये तो संभव नहीं है यानी कि ये कंपलसरी है ही नहीं, ठीक है। बी में है यानी कि मुख्य ध्रुव और अंतर ध्रुवी भी नहीं, तो दोस्तों यानी कि स्टेटर और रोटर रहे तो यानी कि ये जो सामान्यतः इसका मुख्य भाग है यानी कि मशीन का, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, दृश्य धारा मशीन में भारी मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किस वाहिनी को वरीयता दी जाती है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा धारा उत्पन्न करने के लिए, क्या यानी कि ज़्यादा धारा उत्पन्न करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो दोस्तों ज़्यादा धारा के लिए यानी कि लेप वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे, किसका, लेप वाइंडिंग की, वाइंडिंग का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है लेप वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लेप वाइंडिंग। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा, कौन सा, बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, एक डीसी मशीन में क्रांतिक प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि क्रांतिक प्रतिरोध कैसे बढ़ता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन ए में दिया है गति बढ़ा के, ठीक है भाई गति बढ़ा के तो बढ़ा ही सकते हैं। बी में है गति घटाने से ये बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्र परिपथ को स्थिर रखने से कुछ नहीं होगा, लगातार क्षेत्र के उतार चढ़ाव से भी क्या होगा उस पर कोई प्रभाव पड़ने नहीं वाला है। तो दोस्तों यानी कि डीसी मशीन में क्रांतिक प्रतिरोध को बढ़ाता है यानी कि गति बढ़ाने से, क्या यानी कि गति बढ़ाने से, ठीक है। गति बढ़ाएंगे तो उसका क्रांतिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है गति बढ़ना, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न यह है, कम वोल्टेज और उच्च करंट डीसी मशीन में किस प्रकार के ब्रश प्रयुक्त किए जाते हैं। कम वोल्टेज, क्या कह रहा है, कम वोल्टेज और उच्च करंट के लिए, ठीक है, कम वोल्टेज और उच्च करंट के लिए जो दोस्तों यानी कि प्रयोग किया जाता है यानी कि तांबा का प्रयोग किया जाता है, किसका, यानी कि तांबा वाला ब्रश का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, तांबा, बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न यह है, कोर का लेमिनेशन आमतौर पर बना होता है, किसका कह रहा है, यानी कि कोर का कह रहा है, ठीक है। और कोर का जो लेमिनेशन होता है दोस्तों यानी कि किससे यानी कि बना होता है वो हमको बताना है, किसका लेमिनेशन, कोर का लेमिनेशन। और दोस्तों यानी कि कोर का लेमिनेशन जो बना होता है वो सिलिकॉन स्टील का, किसका, यानी कि सिलिकॉन स्टील का। ऑप्शन नंबर किस में दिया, यानी कि सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन नंबर जो दिया है दोस्तों यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कौन सा, सी हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मशीन लेमिनेशन की मोटाई होती है, यानी कि डीसी मशीन में जो लेमिनेशन का मोटाई है वो कितना है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है 0.5 यानी कि 3.5 mm से लेकर के 0.5 यानी कि 0.5 से 0.35 mm तक होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 0.5 mm। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, रोटर शाफ्ट पर का सपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बेयरिंग आमतौर पर होते हैं, यानी कि और रोटर शाफ्ट पे जो सपोर्ट करता है वो बेयरिंग किस प्रकार का होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि बॉल बेयरिंग होता है, किस प्रकार का होता है, बॉल बेयरिंग होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि बॉल बेयरिंग, तो ऑप्शन नंबर आपको जो दिया हुआ है यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए
अगला प्रश्न, एक चार पोल डीसी मशीन में डैश है, ठीक है, तो यानी कि चार पोल डीसी मशीन में क्या होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि चार पोल डीसी मशीन में जो होता है कितना पोल, यानी कि चार पोल डीसी मशीन में जो होता है यानी कि एकांतरिक ध्रुव होता है और एक उत्तर होता है एक दक्षिण होता है। ऑप्शन किस में दिया है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, दिश धारा मशीन में विद्युत वाहक बल की आकृति डैश पर निर्भर करता है, यानी कि आवृत्ति जो होता है विद्युत वाहक बल का वो किस पे डिपेंड करता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो डिपेंड करता है आपको यानी कि गति पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ यानी कि पोल पे डिपेंड करता है, इसको ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है गति और ध्रुव, ऑप्शन ए में कह रहा है गति, ठीक है भाई, बी में यानी कि ध्रुव कह रहा है, सी में तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो नहीं है, दोनों है। तो राइट आंसर जो दिया है बी और ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, एक कम्यूटेटर में डैश है, तो दोस्तों कम्यूटेटर में क्या होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि कम्यूटेटर में जो होता है अभ्रक की तुलना में कठोर है, क्या है यानी कि अभ्रक जो होता है, ठीक है ना, अभ्रक जो होता है तांबा की तुलना में क्या होता है यानी कि कठोर होता है। ऑप्शन किस में दिया है ऐसा, ऑप्शन सी में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, डीसी मशीन के मामले में यांत्रिक नुकसान प्राथमिक कार्य क्या है, यानी कि यांत्रिक नुकसान का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है हमको वो बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि गति होता है, ठीक है, यानी कि गति जो है यांत्रिक नुकसान का प्राथमिक कारण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, डीसी मशीन वाइंडिंग के मामले में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या के बराबर होती है, यानी कि कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या के बराबर क्या होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या के बराबर यानी कि आर्मेचर क्वाइल होता है, क्या होता है, आर्मेचर यानी कि क्वाइल होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया, आर्मेचर क्वाइल, तो ऑप्शन नंबर जो दिया है दोस्तों ए में दिया हुआ है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीसी मशीन में पोल शू का कार्य क्या है, ठीक है, यानी कि पोल शू जो डीसी मशीन में होता है उसका मुख्य कार्य क्या है हमको वो बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन ए में है यानी कि मैग्नेटिक पथ के प्रतिष्ठम को कम करता है, ठीक है भाई, बी में दिया समान फ्लक्स घनत्व को प्राप्त करने के लिए फ्लक्स को फैलाने के लिए, ठीक है भाई, ये भी काम करता है ये, सी में दिया फील्ड क्वाइल को सपोर्ट करने के लिए भी कार्य है। तो दोस्तों इन में से यानी कि तीनों कार्य है इसका, ठीक है, यानी कि पोल शू का तीनों कार्य है। तो ऑप्शन किस में दिया है, तो उपरोक्त सभी कार्य का निर्वहन करने के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, लेप वाइंडिंग के मामले में पिच क्या होता है, यानी कि लेप वाइंडिंग के मामले में हमसे पिच पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि लेप वाइंडिंग के मामले में जो पिच जो होता है, ठीक है, लेप वाइंडिंग के मामले में जो पिच होता है यानी कि आगे और पीछे पिचों का अंतर होता है, ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, डी में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, प्रायः छोटी डीसी मशीन में के ब्रश बने होते हैं, यानी कि छोटी डीसी मशीन का ब्रश जो बना होता है किसका बना होता है। और दोस्तों यानी कि छोटी डीसी मशीन का जो ब्रश बना होता है वो कार्बन का बना होता है, किसका बना होता है, कार्बन का, वहीं पे बड़ी की बात किया जाए तो तांबा का बना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर कार्बन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि डीसी मशीन में संतोषजनक कम्यूटेशन के लिए आवश्यक है, यानी कि संतोषजनक कम्यूटेशन के लिए क्या आवश्यक है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में कर ब्रश उचित ग्रेड और आकार का होना चाहिए, ठीक है भाई, बी में दिया है ब्रश कारको में आसानी से चलाना चाहिए, भी ठीक है, सी में है यानी कि स्मूथ कंसेंट्रिक कम्यूटेटर ठीक से यानी कि अंडरकट, ठीक है, और डी में दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों ये सारा कथन इसके लिए सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया है, कम्यूटेटर सेगमेंट आर्मेचर कंडक्टर से जुड़े होते हैं, यानी कि कम्यूटेटर सेगमेंट जो जुड़ा होता है आर्मेचर कंडक्टर से कैसे वो जुड़ा होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो जुड़ा होता है यानी कि तांबे की लग से जुड़ा होता है, कैसे, यानी कि तांबे की लग, ठीक है, यानी कि लग्स के माध्यम से जुड़ा होता है। ऑप्शन किस में दिया है, लग्स, तांबे की लग्स, ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया है, डीसी मशीन में फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, यानी कि डीसी मशीन में फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का उपयोग जो करते हैं कैसे करते हैं वो हमको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कर उत्पन्न वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है भाई, यानी कि इसको आप उत्पन्न वोल्टेज को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है, बी में स्पार्किंग को कम करने के लिए। तो दोस्तों यानी कि क्या कर रहा है, अगर क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, डीसी मशीन में फ्रैक्शन पिच वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, अच्छा, फ्रैक्शन पिन वाइंडिंग का जो प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए में कह रहा है उत्पन्न वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, तो नहीं भाई, इसको वोल्टेज को नहीं बढ़ाता है, ये क्या करता है, स्पार्किंग को कम करता है, ठीक है, स्पार्किंग को कम करता है, साथ ही साथ सी में जो दिया है क्या दिया है, शॉर्ट एंड की वजह से तांबे को बचाने के लिए, ठीक है, अगर शॉर्ट होता है तो उसको भी बचाता है। तो यानी किस में से बी और सी दोनों होगा, ठीक है, बी और सी दोनों होगा, ऑप्शन किस में दिया है, तो ऊपर से ब और स जो दिया है दोस्तों यानी कि डी में दिया है, राइट आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आज का,
पारगम्यता का व्यतिक्रम है, यानी कि पारगम्यता का जो व्यतिक्रम होता है क्या है वो हमको बताना है। तो दोस्तों पारगम्यता का जो व्यतिक्रम होता है वो रिलक्टेंस होता है। क्या होता है? रिलक्टेंस होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है रिलक्टेंस? तो ऑप्शन नंबर जो दिया है बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।